हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी जो फाइनल एग्ज़ाम है 2022 का क्लास 7 का, उसमें इंग्लिश के सब्जेक्ट में क्या क्या आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला नंबर एक मतलब वन क्वेश्चन का इसमें दो नंबर मिल रहा है। तो पहला नंबर में क्वेश्चन है, व्हाट हैपन एवरी टाइम अंकल पोजर अंडरटुक टू डू अ जॉब। आपको अच्छे से याद कर लेना है इसका आंसर। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या होता है हर वक्त अंकल पोजर के साथ जब वो काम पर रहते हैं या काम करते हैं। दूसरे नंबर पर है, व्हाई वेयर द ओलंपिक गेम्स अबॉलिश्ड इन 393 AD। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है आपको ये सब। तीसरे नंबर में है, टू व्हाट कैटेगरी ऑफ पीपल इज़ द नोबेल पीस प्राइज अवॉर्डेड। चौथे नंबर में है, व्हाट डज हैंडीक्राफ्ट मीन। एंड पांचवें नंबर में, अकॉर्डिंग टू द पोयम द विलेज ब्लैक स्मिथ वेयर इज द विलेज स्मिथी। इसमें ब्लैक स्मिथी एक पोयम है, उसमें पूछा जा रहा है कि ये विलेज कहाँ पर है, गांव। तो आपको पोयम से पता चल जाएगा। सेक्शन बी में एक पैसेज दिया हुआ है, ओलंपिक के बारे में कुछ पैसेज दिया गया है। पैसेज से जुड़े कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जैसे कि है, व्हाई डिड द ग्रीक्स आइडियलाइज फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल डिसिप्लिन। देखिए मैंने लगाया भी हुआ है, द ग्रीक्स आइडियलाइज फिजिकल जो पैसेज में है, मैंने उन्हीं में से ढूंढ ढूंढ के लगाया हुआ है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से आंसर उन्हीं में मिल जाएगा, उन्हीं से आपको ढूंढना है। सेवन नंबर में है, हाउ कुड अ वुमेन फ्रॉम रोड्स डेफी डेथ पेनल्टी। आठवें नंबर में, व्हाट डज द पेंटेथलॉन मीन। इसमें अनदर इंग्लिश का वर्ड पूछा गया, पेंटेथलॉन का मीन क्या है, अनदर इंग्लिश क्या है। उसके बाद और एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा है, नेम द इवेंट इंक्लूडेड अंडर द पेंटेथलॉन। ये हो गया, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको एक पोयम नज़र आ रहा है, ये पोयम है, पोयम से जुड़ी कुछ क्वेश्चन है 9 और 10 का। पोयम से जुड़ी क्वेश्चन है, व्हाई डिड एवरीवन ग्रम्बल। देखिए पोयम में ही मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, एवरीवन ग्रम्बल बिकॉज लगा देना है आपको खुद से, द स्काई वॉज ग्रे। ठीक है, 10 नंबर में है, व्हाट हैपेंड व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। इसी पोयम से आपको मिल जाएगा। पढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। इसमें पहला नंबर पूछा गया है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, राइट 5 लाइन्स अबाउट द मेन कैरेक्टर एज डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट इन द पोएम द विलेज ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ आपके इंग्लिश की बुक में एक पोएम होगा, उसमें से जो पोएट का मेन कैरेक्टर है जो आप पसंद आपको अच्छा लगा हो उसके बारे में 5 लाइन आप लिख दें। 12 नंबर में है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज directed in the bracket, if you can have a tea you can have a coffee। आपको इसमें ऐड करना है, join the sentences by using either or, आपको बीच में either या फिर or use करना है। तो इसमें or use होगा, you can have a tea और you can have a coffee, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। दूसरे नंबर में है, रोहन said I am happy, इसको change into indirect speech में चेंज करना है, जैसे रोहन टेल्स डेट ही इज हैप्पी। तीसरे नंबर में है, अ गार्डनर क्लीन्स द गार्डन, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हो जाएगा इसमें, अ गार्डन क्लीन्ड बाय द गार्डनर। चौथे नंबर में है, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई सिस्टर, इसको वर्ब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करना है। तो आई एम की जगह हो जाएगा, आई वॉज राइटिंग अ लेटर टू माई सिस्टर। पाँचवें नंबर में है, माई नेम इज़ नेहा, माई सिस्टर्स नेम इज़ रिया, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग अ कंजंक्शन, इसमें बीच में कंजंक्शन ये ऐड करना है। तो जाहिर सी बात है एंड लगेगा, माई नेम इज़ नेहा एंड माई सिस्टर्स नेम इज़ रिया।
अब आप 13 नंबर में देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर से जुड़े कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए पहला नंबर है, वेयर आर द पीपल, ये जो लोग हैं जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं वो कहाँ पर है, तो आपको लिखना है द पीपल आर इन द गार्डन, सारे के सारे यहाँ पर गार्डन में। दूसरे नंबर में, हाउ मैनी पीपल आर थ्री देयर इन द पिक्चर, पूछा जा रहा है कि अब इस पिक्चर में कितने लोग हैं, आपको काउंट कर लेना है कि इस पिक्चर में कितने लोग हैं। तो पिक्चर में तो 4 ही लोग नज़र आ रहे हैं, जो पीछे है वो पुतला खड़ा है, तो पुतला को तो ऐड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर लोगों को पूछा गया है, तो लिखना है देयर आर 4 पीपल इन द पिक्चर। तीसरे नंबर में, व्हाट इज़ द बॉय डूइंग, अब पूछ रहा है कि जो लड़का है वो क्या कर रहा है, तो आपको लिख देना है द बॉय प्लक द टोमेटोज या फिर ब्रेक द टोमेटोज। फोर नंबर में, हाउ इज़ द वेदर कंडीशन, अब यहाँ मौसम के बारे में पूछा है कि मौसम कैसा है यहाँ पर, आपको लिख देना है कि द वेदर इज़ प्लीजेंट, यहाँ मौसम सुहाना है। पाँचवें नंबर में, व्हाट इज़ द वुमेन डूइंग, अब यहाँ औरत क्या कर रही है वो आपको नोटिस करना है, तो आपको लिखना है आप देख सकते हैं वो एक लेडी बैंगन लेके जा रही है, तो लिखना है द वुमेन पिक अप ब्रिंजल्स एंड गो अवे। ठीक है, तो आपका ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं, बिल्कुल फिक्स्ड है। तो आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट गाइज़।